नया फ्लाईओवर का। अब देख सकते हैं किस तरह से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जोश की, कोई कहना नहीं कि सीएम हेमंत सोरेन नए फ्लाईओवर पर खुद गाड़ी चलाते दिखाई पड़ रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से शहर के विकास को दिखाते हुए खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, और आप देख सकते हैं बिल्कुल ऐसी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ड्राइविंग सीट पर खुद विराजमान है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और पूरे जोश के साथ खुद चला रहे हैं गाड़ी। देखिए आज हम लोगों ने काटा टोली का नया फ्लाईओवर का विधिवत रूप से उद्घाटन कर दिया है और अभी उस पर हम लोग ड्राइव भी कर रहे हैं और आज ये पब्लिक के लिए पब्लिक को समर्पित किया जा रहा है और बड़े पैमाने पे इस अगल बगल क्षेत्रों में जो भीड़ जाम चौक चौराहों में लगी रहती थी वो सभी अब खत्म हो जाएंगी और एक और इससे जुड़ा हुआ कनेक्टिंग फ्लाईओवर इसके साथ कनेक्ट करेगा जो मैकॉन से सीधे काटा टोली के पार लोग अपना सफर बिना किसी रुकावट की कर सकते हैं, बिना किसी चौक चौराहे के। उसका भी आधारशिला आज रखा गया है और उसका एक पार्ट लगभग पूरी होने की स्थिति पर है, बस एक रेलवे क्रॉसिंग उसमें काम होना बाकी है और ये महज पुल को बने शुरू हुए हमको लगता है 2.5 साल के लगभग ही हुआ है। 2.5 साल में इतना बड़ा इतना भव्य पुल बन गया है, तैयार हुआ है। निश्चित रूप से इस काम करने में सभी लोग इसके शुक्रगुजार के लायक है, इसको शुभकामनाएं देता हूं और आज जनता के लिए ये ड्राइवर पूरी तरीके से बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए आज हम लोगों ने काटा टोली का नया फ्लाईओवर का विधिवत रूप से उद्घाटन कर दिया है और अभी उस पर हम लोग ड्राइव भी कर रहे हैं और आज ये पब्लिक के लिए पब्लिक को समर्पित किया जा रहा है और बड़े पैमाने पे इस अगल बगल क्षेत्रों में जो भीड़ जाम चौक चौराहों में लगी रहती थी वो सभी अब खत्म हो जाएंगी और एक और इससे जुड़ा हुआ कनेक्टिंग फ्लाईओवर इसके साथ कनेक्ट करेगा जो मैकॉन से सीधे काटा टोली के पार लोग अपना सफर बिना किसी रुकावट की कर सकते हैं, बिना किसी चौक चौराहे के। उसका भी आधारशिला आज रखा गया है और उसका एक पार्ट लगभग पूरी होने की स्थिति पर है, बस एक रेलवे क्रॉसिंग उसमें काम होना बाकी है और ये महज पुल को बने शुरू हुए हमको लगता है 2.5 साल के लगभग ही हुआ है। 2.5 साल में इतना बड़ा इतना भव्य पुल बन गया है, तैयार हुआ है। निश्चित रूप से इस काम करने में सभी लोग इसके शुक्रगुजार के लायक है, इसको शुभकामनाएं देता हूं और आज जनता के लिए ये ड्राइवर पूरी तरीके से बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए आज हम लोगों ने काटा टोली का नया फ्लाईओवर का विधिवत रूप से उद्घाटन कर दिया है और अभी उस पर हम लोग ड्राइव भी कर रहे हैं और आज ये पब्लिक को समर्पित किया जा रहा है और बड़े पैमाने पे इस अगल बगल क्षेत्रों में जो भीड़ जाम चौक चौराहों में लगी रहती थी वो सभी अब खत्म हो जाएंगी
और एक और इससे जुड़ा हुआ कनेक्टिंग फाइबर इसके साथ कनेक्ट करेगा जो मैकॉन से सीधे काटा टोली के पार लोग अपना सफर बिना किसी रुकावट के कर सकते हैं, बिना किसी चौक चौराहे उसका भी आधारशिला आज रखा गया है और उसका एक पार्ट लगभग पूरी होने की स्थिति पर है। बस एक रेलवे क्रॉसिंग उसमें काम होना बाकी है और ये महज पुल को बने शुरू हुए हमको लगता है ढाई साल के लगभग ही हुआ है। ढाई साल में इतना बड़ा इतना भव्य पुल बन गया तैयार हुआ है। निश्चित रूप से इस काम करने में सभी लोग इसके शुक्रगुजार के लायक है, इसको शुभकामनाएं देता हूं और आज जनता के लिए ये ड्राइवर पूरी तरीके से बहुत बहुत धन्यवाद।